नमस्कार दोस्तों, ये इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैं एक प्लांट लिया हूँ। ये 2 साल पुराना प्लांट है, ये देखिए मैं इसमें प्लांट लिया हूँ और किस तरह से इसका डिज़ाइन बनेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप एक स्केल ले लीजिएगा, ये 12 इंच का स्केल है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 12 तक है। तो सबसे पहले स्केल से आप इसको मेजरमेंट कर लीजिएगा। एक टिक लगाना है 1 नंबर पे और दूसरा यहाँ 5 इंच पे करना है और तीसरा करना है ये 10 इंच पे। तो मैं करके बता देता हूँ आपको, देखिए मैं यहाँ से लिया हूँ एक, देख लीजिए ये एक यहाँ से लिया हूँ और ये 5 इंच पे, मतलब फिर 5 इंच पे हमको ये देखिए 5 इंच लिखा हुआ है। 5 इंच पे एक टिक लगाइएगा और फिर एक देखिए यहाँ पे 10 इंच लिखा हुआ है, 10 इंच पे आप यहाँ पे एक टिक लगा देना है, देखिए टिक लगा देना है। और इसको टिक लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम टिक लगाए थे तो इसको गोल करके मतलब मिला देना है चारों तरफ सेम साइज पे। देखिए ये क्या करना है आपको, ऐसे यहाँ से ऐसे मिला देना है, ये देखिए। और फिर क्या करना है आपको, 5 इंच यहाँ पे आप लिए थे वहाँ को, वहाँ से भी इसको से मिला देना है, इसमें सेम गोल कर देना है, मतलब एक बराबर होना चाहिए। क्योंकि कट लगाएंगे तो कैसे कट लगेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे पूरे में मिला देना है दोस्तों, ये मिला दिए मैं, इसको मिला दिए हैं दोस्तों। और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पहले इसको धो लीजिएगा आप, जो शार्प आपके पास चाकू होगा तो चाकू से अच्छा कटेगा, ब्लेड से मत करिएगा इसको जब डिजाइन बनाना हो। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ से लेके और यहाँ इसको 4 भाग में बांटूंगा, ये देखिए मैं इसको 4 भाग में यहाँ से और यहाँ से इसको बांट मतलब इसमें चीरा लगाऊंगा, ये देखिए। बीच से सेंटर पे एकदम देखिए दोस्तों यहां से एकदम स्ट्रेट में मतलब कट करना है, स्ट्रेट कट करना है, मतलब दोनों भाग बराबर होना चाहिए, ये देखिए दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, ये देखिए कट गया है। फिर क्या करना है दोस्तों, फिर इसको फिर बीच से मतलब सेंटर में बीच से जो है फिर एक ये एक बराबर होना चाहिए, ये कट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। देखिए होशियारी से आराम से रिलैक्स में एकदम बस इसको काटते रहना है ताकि ये बीचों बीच कट जाए, ये देखिए ये दोस्तों ये 4 भाग में बट गया है, ये देखिए 1 2 3 4 चार भाग में ये बट गया है, मतलब पहला स्टेप ये हो गया, स्टार्ट हो गया है ये पहला। और उसके बाद क्या करना है, इसके मिडिल में ये 1 से 5 के बीच में दोनों के बीच में बराबर में एक टिक लगा देना है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप ऐसे एक टिक लगा देंगे फिर 1 से 5 इंच के बीच में, ये और फिर ये था 5 से 10, तो 5 से 10 के बीच में भी एक फिर टिक लगा देना है, ये देखिए।
अपने अनुसार अंदाज से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये हो गया, ये देखिए और यहाँ से हम लोग काट लिए हैं दोस्तों, एक से पाँच के बीच में काट लिए हैं। और पाँच के बीच से फिर क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ से आपको एक कट लगाना है ऊपर तक, जैसे मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से बीचों बीच एक चीरा आप ऐसे लगा देंगे, ऐसे देखिए आराम से होशियारी से। ये देखिए एक यहाँ पे लगा दिए हैं दोस्तों, और फिर उलट के ये यहाँ से ये देखिए यहाँ से आपको ये पूरा कट कर देना है ऐसे यहाँ तक। ये भी हो गया दोस्तों, और ये लास्ट बचा है, देखिए इसको भी होशियारी से मिडिल में एकदम बीचों बीच होना चाहिए। यहाँ तक कट होना चाहिए दोस्तों, देखिए और बस लास्ट एक और बच गया है। ये हो गया कट। अब देखिए दोस्तों अब आपको आगे क्या करना है, ये देखिए उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखिए आप थर्मोकोल ले लेंगे, ये कटा हुआ कोई भी थर्मोकोल, देखिए और क्या करना है, पहले तो नीचे वाला जो सेंटर जो कट किए थे हम चार, पहले हाँ उसमें आपको ये बीचों बीच ऐसे फंसाना है इसमें। ये देखिए मैंने पहला में करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ऐसे कर देना है इसमें ताकि ये थोड़ा फैल जाए नीचे तक। ये आप अच्छे से कर लेंगे, मतलब जो ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, मतलब बस सेंटर में फंसा देना है, इस बीच में अलग अलग हो जाना चाहिए ये। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर क्या करना है उसके ऊपर वाला में, ये इसमें ऐसे फंसा देना है, ये ठीक से नहीं कटा है, छोटा छोटा टुकड़ा लेके ये देखिए इस तरह से आपको इसमें फंसाना है। मैं पहले कर लेता हूँ और फिर आपको दिखा दूंगा,
ये रहा दोस्तों, ये देख लीजिए, आपको ऐसे फंसा देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको ना फंसा देना है चारों तरफ से। ये देखिए क्या कर रहे हो आप ये? और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप एक लंबा सा पोलोथीन लेंगे और पोलोथीन यहाँ पे ऐसे इस पे ऐसे करके एक लपेट देंगे इसको। उसके बाद क्या करना है देखिए, आपको इसको पूरे पे रैप कर देना है ताकि इसका अंदर में मॉइस्चर जो है वो बना रहे, बाहर नहीं निकले, सूखे नहीं, इसके अंदर का मॉइस्चर अंदर ही रहना चाहिए। ये देखिए, और एक पन्नी से ऐसे लपेट के आप ऐसे इसको बांध देना है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो अंदर में ही रहे, बाहर नहीं निकले। ये देखिए ये हो गया। फिर एक पन्नी और लेना है, जहाँ जहाँ पे छूट गया है ये सब को रैप कर देना है ऐसे। ये देखिए, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अंदर में बना रहे, सूखना नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये इसमें ऐसे लपेट देना है दोस्तों, और ग्राफ्टेड टेप से आपको एक बार चारों तरफ से ऐसे लपेट देना है दोस्तों। ये देखिए, मैं इसलिए लपेट रहा हूँ ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बना रहे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों अभी ये रेडी हो गया है। और इसको क्या करिएगा दोस्तों, ये देखिए इस तरह से कर देना है, और इसको ठीक चार दिन के बाद, देखिए मैंने गमला से पहले ही निकाल लिया था, इसको रिपोर्ट कर देना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसका अपडेट एक सप्ताह बाद फिर से दे दूंगा दोस्तों। ये देखिए